कलम ऑफ पट्टिनी। अरे क्या कहेंगे, कलम ऑफ पट्टिनी, कलम ऑफ पट्टिनी। अब यहाँ पे यू नो दैट नेफ्रन की छोटी सी स्ट्रक्चर में यह ड्रॉ कर देता हूं, कैसे होगा ऐसे। दिस इज द नेफ्रन, यहाँ पे ग्लोमेरुलस, ब्लड के पिलारी, वोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप्स ऑफ हेल्ली, ascending, descending, collecting, ducting होता है। This is the structure of nephron। ये nephron यहाँ पे कैसे होगा? So जो loops of Henle होगा वो medulla region में होगा, और जो बाकी वाले हिस्से होगा वो cortex region में होगा। इसलिए according to the presence of loop of Henle, the nephron can be broadly classified into how many types? 10, 5, 2, 4, kenta? Toh ek pooch raha lama kon tu? Haan. Khana kah kahite mithe te mile jibago kah. क्या होता है अरविंद बोल, कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स। क्या क्या होता है श्रीवान बोल? अरे क्या होता है, कर्टिकल नेफ्रन होते हैं और दूसरे वाला जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रन होते हैं। क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ लूप्स, सॉरी लूप्स ऑफ Henle, the nephron can be broadly two types. One is the cortical nephron, other one is the juxta medullary nephron. अब बता दो 80% कौन सी नेफ्रन है जो कि हर ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, मामल्स में प्रेजेंट होता है? जक्स्टा मेडुलरी में क्या होता है? जक्स्टा मेडुलरी में लोब्स ऑफ Henle लंबे होते हैं या शॉर्ट होते हैं? छोटे को छो कि मीठे को छो? हां छोटे को छो। पहले ये तो बता दो, नारायण नारायण बाबू खड़े हो जा, क्या ऐसे ऐसे कुटक 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 कर रहा है? भगवान विष्णु नहीं आने वाले हैं? चल जल्दी बता दे कि इससे प्यार करता है तू। इससे प्यार करता है बोल देना, कोई नहीं है, विष्णु ब्रह्मा महेश्वर कोई नहीं है, बोल दे। बस दूसरों का तो चुगली करने जाते हो, हाँ खुद का भी बता दो, नहीं है कोई? ठीक है चलो बता दो, कर्टिकल नेफ्रन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रन क्या होता है? किसमें लोब्स ऑफ Henle लंबे होते हैं, लंब होते हैं, किसमें शॉर्ट होते हैं? बोलो बोलो यार, जल्दी जल्दी बोलो, लेट मत करो। हैं क्या होता है तेजस्वर? पढ़ के आया करो, पढ़ के आया करो भाई, एम फॉर एम से दिल्ली चलने का है। क्या है सौम्य दर्शन? अरे भूल गए, क्या भूल गए? चार साल से प्यार कर रहे थे, लड़की को नाम नहीं बोले और ये भूल गए तुम? एक साल हो गया, कैसे बात कर रहे हो यार? विराट कोहली को भूले हो तुम? अनुष्का शर्मा को भूले हो? दोनों ने प्यार किया था कि नहीं? शादी किया है कि नहीं? आज बच्चे पैदा करेंगे कि नहीं? नया साल में 2021 तो याद रखे हो कि नहीं? तो नेफ्रन वाला चैप्टर कब पढ़े थे? 2019 में। अभी क्या है 2020 में, कैसे भूल गया तू? कर्टिकल नेफ्रन में क्या होता है देखो, फिर कर
कर्टिकल नेफ्रन में क्या होता है, लंबे वाला लूप सब फेल ली या लंबे वाला, देखो ये बता दे रहा हूं अभी तो बोल दो। ये मान लीजिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये अपर वाला पार्ट्स दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन, क्या है कॉर्टेक्स, और ये नीचे वाला पार्ट जो लूप सब फेल ली है डिसेंडिंग एसेंडिंग, ये क्या है मेडुला वाला, कौन सा रीजन है भाई मेडुला रीजन है। अब मुझे बताओ ज्यादा अगर लूप ऑफ हेनली मेडुला रीजन में आया हुआ होगा तो उसको क्या कहेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रन कहेंगे, क्या कहेंगे कॉर्टिकल नेफ्रन कहेंगे, अगर छोटा होगा तो क्या कहेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रन कहेंगे। तो कॉर्टिकल नेफ्रन 80% देखने को मिलता है, कौन सा कॉर्टिकल नेफ्रन 80% देख लेना प्लीज, ये है ना कॉर्टिकल नेफ्रन जो होता है 80% आपकी केसेस में भी कॉर्टिकल नेफ्रन देखने को मिलेगा। देख तो क्या है कंसेप्ट, हाँ लूप सब फैलली छोटा होता है, लूप सब फैलली छोटा होता है कॉर्टिकल नेफ्रन में, हाँ सॉरी कॉर्टिकल नेफ्रन में लूप सब फैलली आर शॉर्ट एंड जॉक्स्टा मेडुलरी नेफ्रन में लूप सब फैलली आर लॉन्ग, ठीक है ये कंसेप्ट याद रखना। सो आगे की क्लासेस में फिर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे द आउटर लेयर ऑफ द किडनी को क्या कहते हैं, रेनल पेल्विस कहते हैं, थोड़ी ना रेनल पेल्विस कहते हैं, क्या कहते हैं रेनल कैप्सूल कहते हैं, ओके वेरी गुड। तो तीन लेयर होता है, क्या क्या होता है, एडिपोस कैप्सूल और रेनल फेशिया, वेरी गुड। सो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द किडनी इज रेनल फेशिया और इनर मोस्ट इज एडिपोस, एडिपोस वाला कहां पे मिडिल और रेनल कैप्सूल जो है इनर वाला, ठीक है तीन लेयर होता है और टोटल पूछेगा तो टोटल को रेनल कैप्सूल भी बोला जाता है। ये ज्यादा करके आप लोग को पढ़ने को मौका मिलेगा फिजियोलॉजी में जब एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में पढ़ो, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बोल के कोर्स होता है, बैठो नारायण जी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपने तो बताया नहीं क्या किया जाए, है कि नहीं। सो नेक्स्ट क्लास में फिर डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे, अभी नेक्स्ट क्लासेस होगा इसके बारे में डिटेल में, फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग यूरिन फॉर्मेशन का डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड।